दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको ये एक गोवंश के लिए शेड दिखाई दे रहा होगा और ये शेड आप देख लें बिल्कुल साधारण ढंग से बनाया हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और कितनी गायों के लिए सफिशियंट रहेगा, इनके मालिक ने 3 साल पहले इसको बनाया था और देखने में ऐसा लगता होगा कि इसमें कुछ समस्याएं आएंगी। तो दोस्तों इसमें यदि कोई समस्या भी आती होगी तो वो भी इनसे पूछूंगा कि 3 साल में इनके सामने कोई समस्या आई है तो क्या आई है और नहीं आई तो क्यों नहीं आई। तो ये आप देख सकते हैं गिर गाय का फार्म है और साथ में ये खोर कुरली। पूरा इस वीडियो में मैं इनका पूरा स्ट्रक्चर आपको जानकारी के साथ दिलाऊंगा कि खोर कुरली कैसे बनाई हुई है, बीच में से रास्ता भी इन्होंने छोड़ा हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप एक बार अपना नाम बता दीजिए और जगह कौन सी, और उसके बाद इस शेड के बारे में पूछूंगा। हाँ सर जी, सबसे पहले फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सुरजीत जी के एक छोटे से डेयरी फार्म पे आने पे बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव ढाणी पितराम, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा, जो लोहारू के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है सर। हमारा पोस्ट ऑफिस भी लोहारू लगता है, यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लोहारू एक छोटा सा कस्बा लगता है। शेड के बारे में आपने पूछा, ये लगभग इसको 3 साल हो चुके हैं सर, अभी महीना 2 महीना अभी रहता है तो ऑलमोस्ट आप 3 साल मान के चलिएगा। 3 साल पहले हमने ये एक स्ट्रक्चर जो है वो इस बेस पे बनाया ताकि गौ माता को कम से कम परेशानी हो, और ये स्ट्रक्चर बनाने का सबसे बड़ा बेसिक कारण भी यही था कि इस स्ट्रक्चर का हमने ये देखा कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गर्मियों का सीजन चल रहा है तो यहाँ टेम्परेचर जो है बाहर की बजाय अगर आप देखें तो 2-3 डिग्री का फर्क आपको अंदर महसूस होगा, यानी गर्मियों में ये अंदर की तरफ ठंडा रहता है और सर्दियों में ये इसका उल्टा कि बाहर जब टेम्परेचर जो है आपका कम होता है तो अंदर जो आपको गर्मी महसूस होगी, तो सर्दियों में बिल्कुल इसका उलट होता है। इस स्ट्रक्चर की बात करें क्योंकि पहली बात यही आती है कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो ये 60 फुट जो है ये लंबाई है इसकी, और चौड़ाई जो है एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 38 फुट है। अच्छा, तो ऑलमोस्ट अच्छा। जो हम ये कंसेप्ट लेके चले थे वो 60x40 का जो एक आइडियल जो आपका फार्म हाउस होता है, आइडियल जो आपका एक शेड होता है, हम उसके हिसाब से लेके चले थे। और इस शेड को बनाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य जो मैंने अभी बताया आपको कि गौ माता को हमें कंफर्ट देना था, और कंफर्ट जो है वो नेचुरल जो आपका शेड होता है उससे बेहतर कहीं मिल नहीं सकता, तो नेचुरल तरीके से बनाने का एक मन में था और भगवान की दया से जो है एक ऐसा शेड बन चुका है जिसमें गौ माता कंफर्ट महसूस करती हैं जी। तो दिनेश जी, नीचे आपने कच्चा रखा है, कच्चा फर्श रखा जो कि गौ माता की जरूरत है जी। लंबाई चौड़ाई आपने बता दी, उसके साथ है अब सबसे पहले आप एक बार ये बताओ कि इसकी ऊंचाई कितनी है, बीच में से सेंटर में से कितनी है, और किनारे पर जाकर ढलान में ये कितनी होगी, ये और थोड़ा सा अंदाजा बताओ जी। बीच में सेंटर की अगर बात करें तो ये आपका 12 फुट पड़ता है, और जब हम साइडों की बात करें जो इसका ढलान है वो 9 फुट, लगभग 3 फुट का हमने ढलान दिया है। अच्छा, और अच्छा। उसका कारण यही था कि जो सेंटर में हमने ऊंचाई जो दी है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर आपने देखा बीच में कई लोग जो है खुला स्ट्रक्चर भी रखते हैं कि हवा इसमें से पास हो सके, लेकिन ये अगर आप पूरा जो है सेट देखें इसमें डिजाइन हमने ऐसे किया है कि इसमें से हवा ऑटोमेटिकली पास होती रहती है, और क्योंकि ये बैम्बू का बना हुआ है नेचुरल है, और बैम्बू की प्रॉपर्टी जो है वो बांस की प्रॉपर्टी ये है कि वो जल्दी से जो टेम्परेचर को जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये गर्मियों में जो है ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। कच्चे का आपने पूछा कि हार्ड सरफेस हमने इसलिए नहीं बनाया कि गौ माता को अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हमें जो है कंफर्ट महसूस कराना था, और कंफर्ट इनके लिए ये नेचुरल बेड होता है, ये जो है ये नेचुरल गद्दा है इनके लिए, अगर हम इनको हार्ड सरफेस दे देते हैं तो गौ माता जो है उसमें अनकंफर्ट महसूस करती हैं। कभी भी आप जो है देखें अगर किसी भी पशु को तो हार्ड सरफेस की बजाय जो है कच्चे सरफेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, और इजीली हमारे यहाँ पर बालू मिट्टी मिल जाती है। तो दिनेश जी, अब बात आती है कि इधर आकर ये 9 फीट रह गया ढलान सेंटर से जी जी, उसके बाद आपने ये जो जाली लगा रखी है जी, ये चटाई लगा रखी है, ये कितनी हाइट की होगी ये और बताओ थोड़ा। ये ऑलमोस्ट 3.75 फुट की है सर, 3.75 फुट की, और इसका फायदा क्या है, ये लगाने का उद्देश्य क्या था वो? पहली चीज ये है कि जी बारिश जब तूफान वगैरह जो आता है वो पानी जो है वो डायरेक्ट जो अंदर ना आए, पहली चीज ये थी। दूसरा जो है अगर सनलाइट जैसे आपके बैक साइड में अगर आप देखें, क्योंकि अब सूरज जो है इस साइड पश्चिम की साइड जाएगा, तो ये सनलाइट जो है वो डायरेक्ट जो है पशुओं को परेशान ना करे, तो थोड़ा सा इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ यही था कि पशुओं को जो है एकदम से बारिश हो जो है धूप एकदम ना लगे, क्योंकि हमने इनके लिए बाहर जो है वो वातावरण रखा हुआ है कि बाहर जो है ये खुले में रह सकें, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इस हिसाब से बनाया गया है ताकि
यहाँ सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में इनके प्रोडक्शन हो सके। तो अभी हमें यहाँ से एंट्री करते हैं, तो दिनेश जी ये जो खोर खुरली या अलग अलग भाषा में इसको बोलते हैं, जी जी कई जगह नांद भी बोलते हैं, नाम हाँ नांद भी बोलते हैं, तो इसका साइज एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कि ये बीच में से इसकी चौड़ाई कितनी है और गहराई कितनी, ये बताओ एक बार। ये चौड़ाई की जहाँ हम बात करें तो लगभग आपका 2.25 फुट जो है हमने यहाँ पे छोड़ा है इसका, ठीक है। और इसकी गहराई इसकी कितनी होगी? ये गहराई लगभग 1.25 फुट के आसपास, जो आपकी गहराई 1.25 फुट के आसपास गहराई, और बीच में से आपने इसको, हमने ढलान दिया है जी इसमें, अगर आप देखें, हाँ हाँ हमने इसमें ढलान देने का कारण भी यही है, क्योंकि जो है अगर ये ढलान हम नहीं देते तो जो, अगर आप देखें हम छानी या इसमें हम जो तूड़ा वगैरह जो डालते हैं उसमें चाट बटर डालते हैं, वो कई बार जो है इन कोनों में रह के यहाँ पे जो है फंगस होने की समस्या रहती है, जो कि पशुओं में बीमारी का एक कारण बन सकता है, सबसे बड़ा कारण। जी जी जी, और फंगस पशु की जानलेवा तक साबित हो जाती है। तो ये गोल जो है इसका सरफेस बनाने का कारण ये है कि ताकि इसकी इजीली सफाई हो सके। दिनेश जी अब ये खुरली की बात हमने कर ली, उसके बाद खुरली की इस दीवार से लेकर और उस दीवार तक जो एक कच्चा जो बैठने का स्थान है, ठान है, जी जी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी वो बताओ एक बार प्लीज। ये ऑलमोस्ट 10-11 फुट के आसपास है सर, ये 10-11 फुट के आसपास, सेम पोर्शन दूसरी साइड में, दूसरी साइड भी है, हमने जो है दोनों साइड ये किया है हेड टू हेड, जिसको हम जो है वो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और बीच में हमने जो है वो गैलरी दी है ताकि पशुओं को हमने चाट बाटा डालना है या कोई हमने तूड़ा डालना है तो बीच में से जो है आसानी से जाया जा सके। अच्छा अच्छा, ये बीच में जो दर्शकों आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में जो ये रास्ता है ये गैलरी है, ताकि सानी बाट बंटा देने में हर पशु के पीछे नहीं जाना पड़े और बीच में से हम दे सकते हैं। तो दिनेश जी एक बात और बीच में रहेगी कि जो बीच में सेंटर पोल है ये आपने लोहे के लगाए हैं जी, बाकी लोहे का कहीं भी यूज मेरे को तार को छोड़कर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लोहे के लगाने का, और साइड वाले भी पोल आपके सारे लोहे के हैं जी, तो इसका क्या उद्देश्य रहा, क्या ये बांस से नहीं हो सकता था क्या, हो सकता था तो आपने किया या नहीं किया, तो इसका क्या पर्पज रहा वो बताइए प्लीज। आपका प्रश्न बड़ा उचित लगा सुरजीत जी मुझे, क्योंकि हम नेचुरल चीज बात कर रहे थे और ये जो है लोहे का इस्तेमाल हम नहीं करना चाह रहे थे लेकिन फिर भी हमने किया। उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जो है दीमक की समस्या है, जिसको उदय बोलते हैं, तो वो दीमक की समस्या होने की वजह से यहाँ पर हम जो है अगर बांस या कोई लकड़ी का दूसरा भी हम यहाँ पर जो है वो बैम्बू अगर लगाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पर दीमक जो है बहुत जल्दी जो है उसको काट देती और वो जो है आपका स्ट्रक्चर जो है नीचे गिर जाता। तो हमने जहाँ जहाँ आप देखें कि हमने 7-7 पोल जो हैं, 7 आपके इस साइड में लेफ्ट साइड पर, 7 आपके सेंटर साइड में है और 7 आपके राइट साइड में, तो 21 पोल जो है टोटल यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये पोल देने का कारण यही है ताकि इस सेड की लाइफ जो है बढ़ जाए, क्योंकि मेन समस्या जो है वो दीमक की वजह से ही होती है कि अगर बैम्बू में दीमक लगी तो वो जो सेड आपका ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। दिनेश जी खुरली में जो ये खूंटे लगाए हैं एक साइड में कितने हैं और एक खूंटे से दूसरे का डिस्टेंस कितना, क्योंकि नया आदमी को हर चीज की डिटेल चाहिए होती है जी, अगर ये इसको मानता हूँ पहला खूंटा जी और आप जहाँ खड़े ये दूसरा, ये दूसरा खूंटा, तो इन दोनों की, दोनों खूंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 फुट है। 5 फुट जी, अगर आप मेनली देखें, हमने ये जो आपने अभी पाइपों का हमने जिक्र किया 10 फुट की गैप पे हैं, तो 10 फुट पे हमने गैप लगाए हैं। अगर आप एक पोल से दूसरे पोल की देखें तो हमने 3 खूंटे जो है इस्तेमाल किए, इट मीन्स हमने बीच में सेंटर में 5 फुट पे एक जो खूंटा दिया है, और पूरे खुरली हम देखें तो हमने 9 यहाँ पे खूंटे लगाए हैं, 9 खूंटे इस साइड है, 9 खूंटे आपके उस साइड है, तो 18 टोटल बड़े पशु जो यहाँ पर आराम से बन सकते हैं, चर सकते हैं। और इनके जो बछड़े बछड़ी काफ है उनके बांधने के लिए इस सेड में आपने कहाँ व्यवस्था की, क्योंकि पीछे तो मुझे कोई भी खूंटा दिखाई दे नहीं रहा जी। छोटे जो पशु हैं, छोटे बछड़ियां हैं, उनके लिए हमने अलग से खुरलियां बनाई हैं, सामने अगर आप देख पाएं तो वहां पे हमने 4-4 खूंटे लगा के उनकी छोटी खुरली बनाई है, क्योंकि उनके साइज के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से हमने वो खुरली थोड़ा उनका साइज छोटा रखा है, और उनका खूंटा जो है हमने अलग से मेंटेन किया, वो 8 खूंटे आपके वो भी हैं, ताकि हमारे पास अधिकतम अगर 8 बछड़ियों तक या बछड़े तक अगर हमारे पास होते हैं तो हम वहाँ पे उनकी छोटी बछड़ियों लिया। दिनेश जी अब इसकी जो छत है, जो ये स्ट्रक्चर आपने बताया, इसके बारे में बताइए एक बार प्लीज। देखिए ये जो स्ट्रक्चर पूरा बैम्बू का, जैसे आप देख रहे हैं इसमें नीचे जो है आपको चटाई दिखाई दे रही होंगी, जो इन बैम्बू के जो छड़े हैं इनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये सेंटर पोल में भी आपने बांस लगा रखा और उसके बाद ये स्पोर्ट के लिए ये भी बांस है, और बांस के ऊपर बीच में छोटी खपच्ची लगा के ये ढांचा बना रखा है जी,
और इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रही क्रॉस में ये चटाई है, ये चटाई होगी जी, बांस की है ये भी। अच्छा, और इसके ऊपर जो है वो पॉलिथीन का एक कागज बिछाया हुआ है, वो बेसिकली बरसात से बचने के लिए, ताकि जो है शेड के अंदर पानी ना आए, वो इस चटाई के ऊपर पानी नहीं आने देगा। जी जी जी, ठीक है। इसके ऊपर है पॉलिथीन, पॉलिथीन का कागज, ठीक है। और उसके ऊपर भी कुछ है? हाँ, उसके ऊपर जो है ग्रीन नेट, ताकि जो है डायरेक्ट सनलाइट उस पॉलिथीन के ऊपर ना पड़े। अच्छा। क्योंकि पॉलिथीन जो है वो प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक जो है वो सनलाइट से ही खराब हो सकता है, तो सनलाइट से बचाने के लिए उसके ऊपर ग्रीन नेट डाला गया है। और ये इसमें एक आप कमी भी कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट भी है, जो कि 2-3 साल बाद हमें वो पॉलिथीन बदलना पड़ता है, तो इसकी एक रनिंग कॉस्ट भी है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था, आपने 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा, तो इसमें आपको कोई माइनस पॉइंट भी लगे, और लगे तो क्या लगे वो और बता दीजिए एक बार। हाँ जी जी, सबसे पहले क्योंकि आपने माइनस पॉइंट पूछा, तो मैं उससे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ, फिर हम नेगेटिव पॉइंट पे भी आएंगे। तो प्लस पॉइंट जो है इसके, जो अच्छी चीज़ जो इस सेट के बारे में है, वो पहली चीज़ ये है कि हर एक बंदा जो भी, अगर आप डेयरी फार्म पे आप इतने सालों से वीडियो बना रहे हैं, या मेरे कुछ मित्र जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो है वो ये रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट कितना करें। तो मैं, मेरा खुद का ये पर्सनली मानना है कि आप सेड पे जो है वो कम से कम खर्चा करें। तो मेरा दिमाग में यही था कि मैं पशुओं को नेचुरल वातावरण दूँ, नेचुरल एटमोसफियर दूँ, और साथ में कॉस्टिंग मेरी कम हो। तो ये अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, तो ये लगभग जो है आपका जो टीन सेड होती है उनसे लगभग आधा रेट पे पड़ता है, क्योंकि यही 60x40 जो अभी हमने स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट हमारा यही स्ट्रक्चर अभी आपके सामने है, ये अगर 3 सेट की बात करें, वो 3.75 लाख रुपए का 3 साल पहले मैंने जो है वो उसके अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकलवाई थी, और ये जो है हमारा स्ट्रक्चर वो लगभग 1.5 लाख रुपए में तैयार हो गया था। तो आप ये मान के चलिए लगभग आधे रेट में हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी बताई कि क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी जो है ऐसी है बेम्बू की, कि वो जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, पशुओं के लिए जो है खुशनुमा माहौल रखता है, और एक अच्छी चीज़ जो हमने इस पर बात की कि जो है आपका बाहर का वातावरण जैसा भी हो, क्योंकि इन 3 सालों के दौरान हमने यहाँ पे आंधी तूफान और बाकी सभी मौसम इसने सहन किए भी हैं, तो अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो नेगेटिव पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे, वो नेगेटिव पॉइंट यही है इसका कि हमें हर 3-4 साल बाद इसमें जो ऊपर का हमने प्लास्टिक की बात की, वो प्लास्टिक चेंज करना पड़ता है। अच्छा, जिसकी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट जो है वो लगभग 25-30 हज़ार रुपए की आती है, जो कि हमें 3-4 साल बाद चेंज करवानी पड़ती है। जी, मतलब आपके लोहे के सेट से आधे रेट में बन जाएगा, लेकिन ये मानकर चले कि हर 3rd साल यदि आप इसी डायमेंशन का सेट बनाते हैं, तो 25-30 हज़ार आपको इस चटाई के ऊपर जो पॉलिथीन है वो चेंज कराने के खर्च करने ही पड़ेंगे। जी, यही बात ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इस प्रकार आप ये देसी नस्ल की गिर गाय का फार्म का शेड का डिज़ाइन देख रहे, तो आप भी ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहते तो बना सकते हैं, और सारी डिटेल एक से एक इन्होंने बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, जय गोपाल। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।